कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अब भारत में भी फैलना शुरू हो गया है। यहाँ 6 लोग इस नए प्रकार के वायरस से पीड़ित पाए गए हैं और ये सभी लोग हाल ही में ब्रिटेन से लौटे हैं। उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस में 3 लोगों का सैंपल टेस्ट किया गया था, जिसमें नए स्ट्रेन की मिलने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 2 लोगों के सैंपल की जांच हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में की गई है, जबकि एक अन्य शख्स के सैंपल की जांच पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में की गई है और ये सभी लोग नए स्ट्रेन से पीड़ित पाए गए हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने कोरोना के नए स्ट्रेन से लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा था और साथ ही ताज़ा गाइडलाइंस भी जारी किए थे। इस गाइडलाइंस में कोविड-19 के मौजूदा गाइडलाइंस को 31 जनवरी तक के लिए अब बढ़ा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के नए स्ट्रेन को 70% अधिक संक्रामक माना गया है। कहा जा रहा है कि इसका म्यूटेशन कोरोना वायरस में 17 बदलावों के साथ हुआ है, इसलिए यह ज्यादा खतरनाक है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये नया वायरस बच्चों और युवाओं को ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है। तो वहीं कोरोना के इस नए स्ट्रेन को इसलिए ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इसके 8 रूप जीन में प्रोटीन बढ़ाने वाले हैं, जिसमें 2 सबसे ज्यादा खतरनाक है। पहला, नए स्ट्रेन का N501Y रूप, जिसकी वजह से वायरस शरीर की कोशिकाओं पर हमला कर सकता है, और दूसरा H69V70 रूप, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचा सकता है।